हारी आई थी, ये काफी ज्यादा डिफिकल्टीज टीम एक्स पार्क के लिए बढ़ा सकती है। 420 ओपी बिल्कुल ओपन में रिवाइवल देते हुए यहाँ पे हमें जरूर से नजर आएंगे। मावी को रिवाइवल दे दिया गया है, वापस व्हीकल में बैठ के जोन के अंदर में जाने की कोशिश जरूर से रहेगी। बट ये लीजिए आप खड़े होंगे स्पॉट के, मावी को टेक डाउन किया जाएगा। सामने स्काउट अभी भी सर्वाइव नजर आएंगे, काफी बेहतरीन स्प्रे। बट अब वो गॉब्लिन की पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है, अगर यहाँ पे एक और पिक निकाल दे तो मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। बट ये लीजिए सामने राइट साइड में दो और प्लेयर सर्वाइविंग है, गॉब्लिन के पास आखिरी ग्रेनेड। ये ग्रेनेड क्या कनेक्शन बनाएगा, जाएगा ग्रेनेड जरूर से गॉब्लिन का। 420 ओपी को पिक ऑफ किया, मावी को भी एलिमिनेट। 16 प्लेयर्स बट राइट हैंड साइड अल्ट्रॉन एंड न्यू प्लेयर 7 आर स्टिल सर्वाइविंग। गॉब्लिन की पोजीशन यहां पे रिवील हो चुकी है, इसका मतलब ये कि अगर गॉब्लिन को यहां से आगे बढ़ना है तो जरूर से अल्ट्रॉन और प्लेयर 7 दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वरना यहां से आगे जाना उनका काफी ज्यादा मुश्किल। देखिए अभी तक तो यहाँ पर जो भी इनके सामने आया है वो पूरी तरीके से स्मार्ट से बाहर हुआ है, लेकिन देखते क्योंकि उनके पास कुछ अच्छे खासे हाई ग्राउंड है, बट डील आउट करना होगा तो वो मात्र एक प्लेयर रहेगा जो जोन ये आउट रन कर चुका है। आरआईपी के प्लेयर्स के इस दौरान काफी ज्यादा करीब, क्या कुछ मैजिकल क्लचेस देखने को मिलेंगे। व्हीकल्स के दौरान रोटेशन करी जा रही है, लेकिन टीम एक्स पार्क वर्सेस टीम आरआईपी के चक्कर में गॉब्लिन शानदार तरीके से जोन को कर लेंगे एक्वायर, और वो दोनों टीम आपस में फाइट्स लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन टीम एक्स पार्क शानदार तरीके से तारीफ करनी पड़ेगी, वो जो रोटेशन आया था गॉब्लिन की तरफ से दैट वाज जस्ट अ लीथल माइंडसेट रोटेशन फ्रॉम हिज साइड। बट अब फिलहाल के लिए सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल, इस बेरली सर्वाइविंग दोस्त 10 एचपी अल्ट्रॉन का काफी बेहतरीन स्प्रे जरूर से जाएगा। फर्स्ट एड पॉप करने में मुझ परेशानी जरूर से आ सकती है अल्ट्रॉन को, जो व्हीकल के नीचे थोड़ी सी जगह खाली रहती है, आई थिंक वो जगह थोड़ी सी मुश्किल है जरूर से बढ़ा सकती है गॉब्लिन के लिए। बट तीन टीम से पांच प्लेयर हमें यहाँ पे जरूर से देखने को मिल रहा है, लेट्स सी गॉब्लिन कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे। खड़े होंगे, ये गलत मूव हो सकता है, जैसे ही खड़े हुए अल्ट्रॉन इस मौके का फायदा उठाया, फिनिश ऑफ करेंगे सोल के गॉब्लिन को। सोल विल एंड दिस मैच इन थर्ड पोजीशन, बट तारीफ करनी पड़ेगी गॉब्लिन की, जितना बेहतरीन गेम प्ले, जितने बेहतरीन गेम सेंस एंड गन पावर के साथ 10 फिनिशर्स पॉइंट को अपनी टीम को वो 12वें स्थान से तीसरे स्थान तक लाए, दैट वाज जस्ट अमेजिंग टू वॉच आउट। दो टीम से चार प्लेयर, टीम हैदराबाद हाइटर्स वर्सेस टीम एक्स पार्क, एंड Here we go. Let's see किस तरह से विनर विनर चिकन डिनर इन दोनों टीम्स के बीच में आता है। बट आई बिलीव कैरी की तरफ से कुछ बेहतरीन स्मोक वॉल क्रिएट जरूर से किया जा रहा है कि टीम एक्सपा की तरफ क्लोज इन कर लिया जाए, थोड़ा सा उनके सामने चला जाया जाए, जो उनकी फाइट्स है वो काफी सा बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट हो। लेट्स सी किस फाइट को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। बट फिलहाल के लिए कैरी आउट ऑफ द कवर आएंगे, मुश्किल उनकी काफी सा बढ़ेगी। कैरी को स्पॉट किया गया, वहां पर कैरी को पिक ऑफ किया जाएगा। इट्स गोना बी न्यू प्लेयर 7 जो कैरी को पिक ऑफ करेंगे, एस ब्लैक वर्सेस न्यू प्लेयर 1। यहां पर रहने वाला प्लेयर 7 की तरफ से काफी बेहतरीन मोलोटॉप जाएगा, इस ब्लैक के ऊपर मुश्किल है 1v2 का सिनेरियो। लेट्स सी अवेलेबल टू क्लच इट आउट, थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी सोल का डैमेज, फिर मोलोटॉप का कनेक्शन, एस ब्लैक इज जस्ट इन डेंजर। न्यू प्लेयर 7 पुट दिस क्लोज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।